हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग को अपना यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का। इसमें आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के, लेफ्ट शॉर्टकट और ये राइट शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे लेफ्ट शॉर्टकट पे सिलेक्ट करना है और आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें से आपको चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको रखना है। इसके बाद राइट शॉर्टकट में से भी आप जो है किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सेटिंग काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको ये आइकन आपको नजर आते हैं लेफ्ट में और राइट में। इन आइकन्स को अगर आप उंगली से दबा के इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपका ये ऐप जो भी आइकन आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग जो है ना, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में लॉक स्क्रीन सेटिंग आपको टाइप करना है। आपको ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे ना यहाँ पे सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो जाता है ना लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। इस सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।